पर ये है अभिषेक राम जी जो गए साल में नहीं आए थे तो इन साल 1051 रुपया जुर्माना दे रहे हैं। तो जो हमारे प्रिय दोस्त जितने भी हैं अभी नहीं आए, जो नहीं आए हैं उनको भी देना, उनको अगले साल 1051 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अगला साल बढ़ जाएगा भाई साहब? नहीं अगला साल नहीं, अभी अगला साल आएगा जब सोचेंगे, फिलहाल इन साल तो इतना ही है। अभी वो अभिषेक भी अभी देंगे वहाँ पे सुल्तानगंज में अपना, देख रहे हैं सामने राम जी, देख रहे हैं आप लोग। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और मैं अभी बाबा धाम निकल रहा हूँ और आज सोमवारी का सावन का दूसरा सोमवारी है और मैं और साथ में मेरा बेटा भी है, तो अभी नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और थोड़ी देर में अभी निकलूँगा मैं। तो अभी थोड़ा एक बजरंग बली का मंदिर है तो अभी वहाँ पे अगरबत्ती जलाने के लिए जाऊँगा, तो अभी जा रहे हैं, चलते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे घर के बाजू में बजरंगबली का मंदिर है तो उनसे दर्शन करवाते हैं सबसे पहले। तो ये आदित्य भी तैयार हो चुका है, मेरा ब्लॉग में आ रहा है मेरा बेटा, तो ये भी जाता है बाबा धाम, पिछले 3 साल से जा रहा है ये। और क्या निकाल दें, ये रहा हमारा बजरंगबली का मंदिर और यहाँ पर हम लोग अभी अगरबत्ती जलाएंगे और यहाँ पर माथा टेकेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से बाबा धाम के लिए निकलेंगे। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं और सब भाई भी आ गया, अभिषेक भाई और ये इधर पप्पू और मेरा बेटा आदित्य। तो अभी यहाँ से बाबा धाम निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में, तो चलिए चलते हैं और 2-4 आदमी को रिसीव करना है। पहले हम लोग यहाँ से पूजा कर लिए हैं और यहाँ से अब सीधा निकलेंगे बाबा धाम और बाकी सब लोग है इधर भाई बैठा है दुकान में, तो अभी चलते हैं, अब निकलेंगे बाबा धाम के लिए। हम लोग सारे भाई ये लोग जमा हो गए हैं, ये देखिए अभिषेक, प्रयाग और उधर क्या नाम है रे पुनू, पप्पू और रूपलाल और मैं, सारे लोग जमा होके अब यहाँ से निकल रहे हैं। जोर से एक बार जयकार लगा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम हरे हरे महादेव। फाइनली हम लोग जमुआ चौक पर आ गए हैं और यहां से अभी बाबा धाम सुल्तानगंज ना करीब 180 किलोमीटर है और ये देखिए कुछ गाड़ी इधर भी लगी हुई है, तो पहले हम लोग चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे। और ये रहा श्री मंदिर और आगे आदित्य, अभिषेक और पप्पू सारे लोग अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो अभी दर्शन करेंगे यहाँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे मिर्जागंज का आन बान शान यही है और यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। यह सूर्य मंदिर है तो सूर्य मंदिर में यहाँ पे छठ में बहुत सारे भीड़ होती है और मेला भी लगता है, तो चलिए मैं अभी यहाँ दर्शन करवाता हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं चकाई, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं चकाई और यहाँ पे वो पीछे से जो अभी दिखाते हैं उतर के आपको, वहाँ से हम लोग अभी जाएंगे बेस की ठंड होके फाइनली हम लोग ये रात चकाई चौक पर आ गए। ये देखिए आपको लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक जमुई झाझा होते हुए और एक इधर से बेस्की टांड होते, तो हम लोग बेस्की टांड होते हुए निकलेंगे
और अभी भाई लोग भी यहाँ से कुछ सामान लेंगे, पत्थर उत्तल, उसके बाद यहाँ से पत्थर लेके देखिए मेरा अभिषेक भाई पत्थर ले रहा है, और वहाँ पत्थर गिलास लेंगे। हम लोग एक टाइम का खाना लेके चलते हैं ताकि रास्ते में फिर कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम लोग एक टाइम खाना घर से ही लेके चलते हैं। अब बीच में खाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या लेके आए हैं। तो यहाँ से दो रास्ते, आप जिधर से चाहें उधर से जा सकते हैं, जम्मू से भी जा सकते हैं और देसकी टांड से भी जा सकते हैं। तो अभी चलिए आगे देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे कहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं। फाइनली हम लोग बासुकी टांड से पहुँच चुके हैं, और ये सीधा वाला रोड देवघर चला जाता है, और ये बाएं साइड जाएंगे तो आपको बासुकी टांड सीधा जम्मू निकाल देगा, और ये सीधा आपको चंदन कटोरिया निकाल देगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से चंदन कटोरिया में निकलेंगे। कटोरिया पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आपको यहाँ सुल्तानगंज 77 किलोमीटर बढ़ जाता है, और इधर देवघर पहुँच जाता है इधर 36 किलोमीटर, और यहाँ से हम लोग अभी कटोरिया मार्केट होके निकलेंगे। चलिए मार्केट दिखाते हैं आप सबको, कटोरिया का मार्केट कैसा है, और यहाँ से है तो आपका बोलबम का पैदल यात्रा भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ क्या क्या व्यवस्था मिलेगा चलिए देखते हैं। फाइनली ये रहा कटोरिया बाज़ार, और यहाँ से हम लोग बायां घूमेंगे, तो हम लोग जलेबिया और सुइया पहाड़ का रास्ता मिलेगा, और राइट साइड से घूमने से बांका पहुंच जाएंगे, और भागलपुर का रोड वो मिल जाता है वो। ये रहा दाएं साइड बांका चला जाएगा, और ये कटोरिया घुसेगा, सुल्तानगंज का रास्ता है अपन, सुल्तानगंज का रास्ता। मार्केट थोड़ा है लेकिन अभी थोड़ा सा सन्नाटा है धूप ज़्यादा होने के कारण। पहुँच गए हाँ, ये देखिए इधर से आते हैं और नीचे तरफ से ये रास्ता है, ये आगे ये रहा पैदल रास्ता, ये देखो कम सब चल रहा है। फाइनली वो साइड में पैदल चलने का रास्ता है, देखिए चल रहा है, ये सब सारा व्यवस्था है रात में रुकने के लिए, और निशुल्क सेवा है, ये सब में सारा प्रोग्राम होता है रात में, सुबह में अभी देखिए प्रोग्राम ही चल रहा है, हम लोग जा रहे हैं, बम कब फटेगा उसका पता नहीं, इसका देवघर में बम फटेगा इसे की बम। ये देखिए लोग, हम लोग आ चुके हैं अभी तारापुर, और अभी लोग यहाँ खाना के लिए रुके हैं, ये देखिए सभी लोग खाना खा रहे हैं, और खाना में क्या क्या वैरायटी है देखिए, आम है और दो तीन कलर का भुंजिया है, और रोटी है, हम लोग साथ में हैं, और इधर दो चार लड़के इधर भी हैं, ये देखिए। तो अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे फिर। फाइनली खाना खा के हम लोग फिर से तैयार हो चुके हैं, और यहाँ से करीब सुल्तानगंज 20 किलोमीटर और बच गया है, तो चलिए चलते हैं सुल्तानगंज, और वहाँ उसके बाद आपको घाट में भी ले चलेंगे जहाँ से जल उठाते हैं। देखिए हम लोग फाइनल सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं, और आ रहा डाकू, और देखिए डाकू हम आ रहा है, गाड़ी बैठी है। बोल बा बोल बा
भीड़ जबरदस्त है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा भीड़ है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज और सभी लोग पार्किंग में गाड़ी लगा के अब जल उठाने के लिए जा रहे हैं बाबा धाम, सुल्तानगंज गंगा नदी। तो हम लोग यहाँ से जल उठा के फिर आएंगे कांवड़ लेके, उसके बाद फिर देखिए हमारे ये है अभिषेक जी, जो गए साल में नहीं आए थे तो इन साल 1051 रुपया जुर्माना दे रहे हैं। तो जो हमारे प्रिय दोस्त जितने भी हैं अभी नहीं आए, जो नहीं आए हैं उनको भी देना, उनको अगले साल 1051 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अगला साल बढ़ जाएगा भाई? नहीं अगला साल नहीं, अभी अगला साल आएगा जब सोचेंगे, फिलहाल एक साल तो इतना ही है अभी। वो अभिषेक भी अभी देंगे वहाँ पे सुल्तानगंज में अपना, देख रहे हैं सामने हम जी देख रहे हैं आप लोग, जो जो बम नहीं आए हैं वो कृपया ध्यान से देख लीजिएगा कि जुर्माना कैसा देना पड़ रहा है अभिषेक बम को। ये देखिए डाक बम, सब सब लोग जा दौड़ रहे हैं, कैसे देखिए सारे लोग वहाँ जल उठा के माँ गंगा को भर के बाबा धाम के लिए निकल चुके हैं। और ये डाक बम, मोटो डाक बम, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बोलबम बोलबम बोलबम। हम लोग रिक्शा लेके घाट निकल रहे हैं, पैदल तो चलना नहीं है किसी को, सबको घाट निकलना है। और ये मेरा दुलड़वल है, रिक्शा लेके आया है, ये सुंदर लग, पैसा यही भरेगा सर, देंगे कैसे दिखा तो आगे पकड़। क्या हुआ बम जी, कहाँ गया घाट तक? चलिए 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 बम जी। फाइनली हम लोग आ गए हैं अजगैवीनाथ के मंदिर के पास, और ये रहा अजगैवीनाथ मंदिर, आप लोग भी दर्शन कीजिए यहाँ से। सभी लोग जल उठा के सबसे पहले यहाँ जल चढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ से बॉल बम का यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, हम लोग जल उठाते हैं और चलेंगे बाबा धाम की ओर। ये रहा मेरा आदि और अभिषेक, सभी लोग, और ये रहा बिलारी मठ जो अजगैवीनाथ बोला जाता है यहाँ से, और यहाँ से जल उठाते हैं और चलते हैं जल उठाने के लिए। घाट हो चुके हैं और ये पंडित जी आगे आगे जा रहे हैं, वहाँ से संकल्प कराने के बाद चलिए चलते हैं देखते हैं। हम लोगों का स्नान चालू हो गया है, मनोकामना शिवलिंग के दर्शन अवश्य करें तभी आपके मनोकामना शिवलिंग के दर्शन करने के उपरांत ही तीर्थ यात्रा की शुरुआत करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना हमारी शुभकामना है। आप सभी श्रद्धालुओं से ज्यादा अनुरोध है कि गंगा माँ से डुबकी लगाइए और देखिए क्या मिलता है। जैसी परंपरा सदियों से चली आ रही है उसका निर्वहन करने के उपरांत ही बाबा धाम की
यात्रा का वीडियो चल रहा है। इससे पूर्व पूजा अर्चना से संबंधित अपनी परंपरागत विधि को अवश्य अपनाएं। यानी सर्वप्रथम अजगैबीनाथ मठ में अवस्थित मनोकामना शिवलिंग की सदियों से चली आ रही परंपरा का उल्लंघन होता है। अतः आपसे भी ये भूल न हो, इसलिए आपको ये जानकारी देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जल उठा लेंगे पंडित जी टीका लगवा लें सभी पंडित जल सकल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग बाबा धाम के लिए निकल गए। मैं पिछले 24 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो आज इसका अनुभव है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।